आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ रहे थे तो यहाँ सर राजनीति का गढ़ कहा जाता है, तो सर कभी ऐसा मन में ख्याल कभी प्रधानमंत्री वगैरह बना? अरे वो है ख्याल, अभी भी सर के मन में है। नहीं ख्याल, मुझे हमेशा से एक शौक रहा है कि जैसे मैं गांधी मेरे प्रेरणा स्रोत है, तो मुझे अच्छा लगता है आश्रम में बैठना कि जमनालाल बजा जा रहे हैं, जमीन में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं भैया बैठो बैठो बैठो। हर आदमी का अपना एक प्रेरणा स्रोत होता है ना, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नेहरू जी हैं, जमनालाल बजा रहे हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ये सब देश की बड़ी बड़ी हस्तियां थी, और गांधी जी के आश्रम में आती थी, जमीन में बैठी रहती थी, और गांधी जी डिसाइड करते थे कि अब करना क्या है। 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है तेजी से, और 1922 में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है, गांधी जी ने कहा एंड ऑफ द मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस ने कहा बाबा क्या कर रहे हो क्या 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 स्टेटमेंट दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, नेशनल कैलेमिटी, राष्ट्रीय आपदा, बोले अब हम इनके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। नेहरू ने आके कहा कि गाली दे रहे लोग आपको, बोले लग रही है, बोले लग तो नहीं रही, तो कहे दर्द हो रहा है हमको, क्या देना दो, जाओ दो करो, निकलो यहाँ से, प्रधानमंत्री बनना जी अंकल जी, सीधे खड़ा हो। नेहरू जी को एक बात समझ में आ गई थी कि जब तक हम अंकल जी के सामने सीधे खड़े रहेंगे तभी बनेंगे प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आ गई लास्ट में, यार हर बार तुम्हारी बात माने, जब तुम्हारा मूड करता है तुम आंदोलन शुरू कर देते हो। 1930 में सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया, लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, पूरा भारत गांधी जी के पीछे खड़ा हो गया, अंग्रेजों को लगा कि यार इतने नेताओं को बुलाया तब भी वहां हंगामा हो रहा है, तुरंत जो है तेज बहादुर सपरू को भारत भेजा कि जाओ यार समझाओ मुड़वे को, यार पकड़ो इसको। तेज बहादुर सपरू आए और फिर उन्होंने बाबा जी से कहा कि मालिक मिलना चाहते हैं, कहे मालिक तो इरविन, हाँ हाँ बोले बुलाओ मिलेंगे इरविन से, मीटिंग कराओ हमारी, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, आंदोलन रुक गया। तो सरदार पटेल के जो भाई हैं, जो पहले स्पीकर बने थे विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने गुस्से में स्टेटमेंट दिया कि गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर हैज फेल्ड, खत्म है गांधी, अब तो मां कसम खा रहे कि कोई इनके साथ नहीं जाएगा। 1942 में इंडिविजुअल सत्याग्रह गया, फिर लोग आ गए, यह गांधी कि तुम तड़पो नाचो गाओ चाहे जितना, हमारी जब इच्छा होगी तब बुला लेंगे, और जब इच्छा नहीं होगी तो चरखा उठा लेंगे। सामने वाला बड़बड़ा रहा कि गांधी जी देखिए आपका दिमाग, चुप चरखा चलाओ, तो चरखा पकड़ा दिया, नेहरू जी तेज चलाने लगे।